इंसानी तारीख का मुतालिया किया जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान ने वक्त के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की है, और किसी का मकसद पैसा कमाना, किसी का मकसद ज़मीन पर कब्जा करना, और किसी का मकसद दीने इलाही को आम करना है। और इसी तरह हमारे अबाउजदाद भी हिजरत करके पाकिस्तान आए, और इनकी हिजरत का मकसद दीने इलाही को आम करना था। चूँकि मेरा ताल्लुक ख़ानदान सादात नकवी अल बुखारी से है, इसलिए मैं आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारे जद अमजद हज़रत मखदूम सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी कब और कहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और किस तरह इनकी हिजरत का मकसद यानी दीने इलाही को आम करना पूरा हुआ। हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी की विलादत बसआदत 5 ज़िलहज बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद अज़ नमाज़े जुमा 595 हिजरी को शहनशाह वलायत सैयद अबू अली अल मुवईद बुखारी के घर बुखारा शरीफ में हुई। वालिदे गिरामी ने आपका इस्म मुबारक सैयद जलालुद्दीन हैदर रखा, और आपके अलकाबाद में सुर्खपोश, शेरशाह, शेखुल इस्लाम, जलालुल्लाह, जलाल आजम ज्यादा मशहूर हैं। आपका सिलसिला नसब 19 वास्तों से हजरत अब्दुल मुतलिब से जा मिलता है। हजरत सैयद जलालुद्दीन बादशाह सरकार अपने वालिद गिरामी के दस्त बैत थे, और इन्हीं से खुरको खिलाफत के साथ साथ दस्तार मुबारक, जुब्बा, आसा, कासा, तस्बी, मुसल्ला व दीगर नेमात ज़ाहरी व बातनी अता हुई। आप सरकार को 5 साल की उम्र में नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने वालिद बुजुर्गवार से सफर की इजाज़त ली, और नजफ अशरफ में मज़ार मुबारक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जारूकश की ड्यूटी सर अंजाम दी, और बेपनाह फैज़ हासिल किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर पर भी हाजिरी दी, और बैतुल मुकद्दस का सफर इख्तियार किया। सहाबी रसूल हजरत सुलेमान फारसी अलैहिस्सलाम और अंबिया कराम के मज़ारात की मुजावरी की। जब आप बुखारा वापस तशरीफ लाए तो जालिम बादशाह हलाकू खान ने आपको तलब कर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। हजरत सैयद जलालुद्दीन बादशाह ने फरमाया कि मैं इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हलाकू खान ने गुस्से में आकर बतौर इम्तिहान मसलसल 7 दिन आग के आतिशकदा में बिठाए रखा, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वारिस के जिस्म अतहर को जरा बराबर भी असर ना हुआ। ये करामत देखकर हलाकू खान का बेटा मुसलमान हो गया। इस मौका पर हलाकू खान के दरबार में जो अशार हजरत सैयद जलालुद्दीन बादशाह ने सुनाए, या रब रसालत रसूल सकलैन, या रब वजवाओ कनिंदा बद्रो हुनैन, इसिया मर्दा दो हिसा कुंदर मरफात, नसीम बख्श हसन व नसीम बा हुसैन। और यहाँ से ही आपकी तबलीग इस्लाम शुरू हो गई। आप सरकार दीन इलाही की रोशनी के दायरा कार को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान आ पहुंचे। 641 हिजरी में आप बरेसगीर पाको हिंद में तशरीफ लाए, और जिस इलाके को आज उच शरीफ कहा जाता है इसका पहला नाम देवगढ़ था, और ये इलाका आज पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूब में वाक़ है, जिसको आज इन्ही बुजुर्गों की वजह से उच शरीफ के नाम से जाना जाता है। कौम लंगा, बलोच, चुदड़, बटी, मंज और राणा हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी बादशाह के दस्ते मुबारक पर बैत होकर मुसलमान हुई, और ये तमाम अकवाम आज पूरे दुनिया में शादो आबाद हैं।